दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज के नीमच मंडी के सभी जिन्सों के बाजार देख लेते हैं, कैसे बाजार रहे हैं कृषि बाजार। तो लहसुन की बात करें तो लेवाली बढ़िया ही देखने को मिली, सुपर, क्योंकि चार दिन अवकाश आ रहा है, लेवाली अच्छी देखने को मिली है। और बात करते हैं दोस्तों पोस्ते में आज कुछ गिरावट रही है 3000 रुपये की, जैसा कि हमने आपको व्हाट्सएप पर बाजार पोस्ते से बता दिया था। और चना भी कुछ नरम है, ऊपर का फिगर तो जरूर है। उड़द में लेवाली कुछ बढ़िया देखने को मिली, और मेथी काफ़ी मंदी है, जैसे कि हमने सूचना दे दी थी आपको व्हाट्सएप पे सुबह ही बाजार खुलते से। कलौंजी में कुछ तेजी है, पूरी रिपोर्ट देखते हैं विश्वसनीयता के साथ। और दोस्तों यदि मूठी फर्स्ट लहसुन का आपको बिजवाना चाहिए तो हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु, आप उनका उनसे संपर्क करके ले सकते हैं। बीच में हम आपको उनका नाम पता एड्रेस दे देंगे, काफ़ी वाजिब दाम पर वो बिजवाना उपलब्ध करा रहे हैं, काफ़ी वाजिब दाम पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के बाजार सभी नीमच के। और दोस्तों कल शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, चार दिनों तक मंडी का अवकाश है, तो आपसे निवेदन है अपनी उपज विक्रय तो बिल्कुल ना लाएं, नहीं तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के बाजार स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज 8 अगस्त का दिन और लहसुन के बाजार की बात करें, कैसे रहे हैं बाजार। तो स्टार्ट करते हैं लहसुन से। लहसुन ऊपर में 10,700 रुपया बिकी है देशी लहसुन, और बढ़िया मोटे माल जो है 8,000 से 9,500, कुछ कुछ लोग दोस्तों 10,000 रुपये तक बिकते हैं, जो बहुत ही स्पेशल माल होते हैं 10,000 से 10,500 के बीच में। फुल गोला बढ़िया माल 7,500 रुपये से लगाकर 8,000 रुपये, लड्डू देशी मोटे माल 6,700 से 7,500 रुपये, आवक लगभग 13,000 बोरी की रही। बाजार 201 रुपये के आसपास तेज रहा। लेवाली जोरदार देखने को मिली बाजार में, 21 अपन, काफ़ी अच्छी लेवाली देखने को मिल रही है लहसुन में। और बात करते हैं दोस्तों लहसुन 10,700 रुपये ऊपर में, एवरेज लड्डू माल 6,700 रुपये से लगाकर 5,700 रुपये से लगाकर 6,500 रुपये, कली का माल 2,000 से 6,500, ठोस मीडियम जो है 4,900 से 5,500। दोस्तों 5,300 और 5,500 हमारे सामने काफ़ी ढेर बिके हैं ठोस, एकदम स्पेशल मीडियम के, कुछ कुछ तो 57 तक भी बिकी है। बेस्ट मीडियम 4,500 से 4,800, एवरेज मीडियम 3,800 से 4,400, सेंटेड माल 2,000 से 5,000, फूड क्वालिटी 2,000 से 4,800 रुपये तक, क्वालिटी अनुसार 13,000 बोरी लगभग अभी बिका है। बाजार 100 से 200 तेज, बाजार 21 अपन, लेवाली बढ़िया देखने को मिली है। तो लहसुन में लेवाली अच्छी, तो दोस्तों लगातार लेवाली बढ़िया देखने को, कुछ नीलाम में लंबा नीलाम रहता है तो 100-200 मद्दा भी हो सकता है, बाकी बाजार तेजी है क्योंकि बड़ा नीलाम रहता है, 100-200 रुपये का फर्क आ सकता है। बाकी लेवाली कुल मिलाकर अच्छी देखने को मिली है। जीटू लहसुन आज इतनी देखने को नहीं मिली, ऊँटी की भी आवक हमारे सब्सक्राइबर बंधु का माल था, और बढ़िया फर्स्ट माल 11,000 से 13,000, ऊँटी माल 9,500 से 10,000, लड्डू माल 8,500 से 9,500। G5 लहसुन ऊपर में 10,500 रुपये बिकी है, 10,500, वो भी हमारे एक मित्र उन्होंने बताया है, उनके परिचित का माल था। और ऊँटी माल 3,500 से, हल्के माल जो आई नहीं रहे फुट, बाकी लगभग बाजार समान है, ऊँटी मालों में कोई विशेष नहीं। कोई कोई लोट 14-15 हज़ार भी बिक सकते हैं, अगर स्पेशल माल दिख रहे हैं वो अगर होगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर सूचना दे देंगे। दोस्तों कलौंजी की बात करें, ऊपर में 10,750 रुपये बिका, बढ़िया माल 10,500 रुपये से लगाकर 10,700, एवरेज बेस्ट माल 10,100 से 10,400, एवरेज माल 9,500 से 10,000, 350 बोरी आवक रही। बाजार लगभग 100 रुपये तेज रहा, कल के मुकाबले लेवाली अच्छी देखने को मिली कलौंजी के अंतर्गत, चार दिन का अवकाश भी आ रहा है। दोस्तों यदि आपको ऊँटी फर्स्ट लहसुन का बिजवाड़ा चाहिए, उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है, अजय जी धाकड़ साहब के पास 9691112062 पर आप संपर्क कर सकते हैं, जावत बस स्टैंड के बस स्टैंड पर आपको उपलब्ध हो जाएगी ये सब चीज़ें। इसबगोल में बात करें, 9,250 रुपये इसबगोल बिका है, बढ़िया पैकेट माल 8,700 रुपये से 9,900, सेमी पैकेट माल 8,500 से 8,700, एवरेज माल 8,400, 250 बोरी आवक रही। बाजार लगभग समान था, कोई विशेष तेजी मती देखने को नहीं मिली, एक डेढ़ जरूर 9,250 बिका। धनिया दोस्तों बढ़िया ग्रीन माल की आवक नहीं थी, ईगल माल 5,800 से 5,100, बादामी माल 5,400 से 5,800, एवरेज माल 4,700 से 5,200, 250 बोरी आवक बाजार समान। दोस्तों आवक बहुत कम थी, नीचे में 3,500 रुपये से लगाकर 4,300 रुपये तक बिके हैं, और आवक बहुत कम थी, हल्के माल थे, एवरेज एकदम टॉप क्वालिटी का माल नहीं थे, कोई तेज़ी मद्दी नहीं कह सकते जरा सी आवक में। दोस्तों मेथी में भारी मद्दा है, और मेथी ऊपर में 5,300 रुपये बिकी, एवरेज माल 4,050 से 4,125, बढ़िया पीला माल 4,175 रुपये से लगाकर 4,250, बढ़िया कलर माल 4,300 से 4,500, लगभग पीला माल 4,175 से 4,250 बिक रहा है, मोटा माल 4,400 से 4,800, बढ़िया माल 4,500 से 5,400, बाजार 100 रुपये नरम रहा, 1,000 बोरी आवक, पुराना माल 3,700 से 4,050, लाल माल 3,200 से 3,500। दोस्तों अजवाइन ऊपर में 11,625 रुपये बिकी है, उनालू माल 9,500 से 10,500, उनालू मोटा माल 11,000 से 12,000,
और सुपर माल की आज आवक नहीं थी, कल था, और देशी बढ़िया माल 10,000 से 10,700, लाल सुपर माल 9,500 से 10,000, एवरेज माल 8,500 से 9,200, चालू माल 7,500 से 8,500, 200 बोरी आवक बाजार समाप्त। दोस्तों नीचे में 4,000 से 5,000 के बीच में भी भूसी टाइप के कुछ हल्के माल थे वो बिके हैं, मतलब कुछ अच्छा कण था उसमें और कुछ भूसी का कण था। चना दोस्तों ऊपर में एक देर विशाल 4,246 रुपये बिका, ऊपर में कांटा चना 3840 बिका, बढ़िया विशाल चना 3,800 रुपये से लगाकर 3,900, कांटा चना बढ़िया 3800 से 3850, ऊपर में 40 तक ही आया है वैसे आज, एवरेज माल 3700 से 3800, चाहे वो विशाल का हो चाहे वो कांटे चने का हो, चालू माल 3500 से 3650, आवक 600 बोरी, बाजार 50 रुपये नरम रहा, ले वाली सुस्त देखने को मिली, क्योंकि नेफेड लगातार चना बेच रहा है जिसका दबाव हाजिर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। मसूर की बात करें ऊपर में 3841 रुपये बिकी, बढ़िया माल मोटा माल 3800 से 3850, एवरेज माल 3700 से 3800, चालू माल 3650 से 3700, 70 बोरी आवक बाजार 50 रुपये नरम देखने को मिला, बारीक मालों की आवक नहीं थी। डॉलर चना ऊपर में 5340 रुपये बिका, बढ़िया माल 4800 रुपये से लगाकर 5200 रुपये, एक नंबर का माल बिक रहा है ये, एवरेज सेकंड क्वालिटी 4500 से 4800, चालू डंकी शंकी माल 3500 से 4200, क्वालिटी अनुसार 500 बोरी आवक रही, बाजार लगभग समान रहा, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को डॉलर चने में नहीं मिली। दोस्तों सोयाबीन की बात करें ऊपर में आज एक डेढ़ 3600 रुपये बिक गया, बढ़िया माल 3550 से 3580 के पक्के बाजार हैं, एक दो लॉट ऊपर भी बिक रहे हैं 80 से, मीडियम क्वालिटी 3475 से 3525, चालू माल 3375 से 3450, 4,500 बुरी आवक रही, बाजार 25 रुपये तेज रहा, ले वाली जोरदार देखने को मिली आज सोयाबीन में, काफ़ी दिनों बाद 3600 का स्तर एक डेढ़ भी बिका है। अलसी की बात करें तो 4,690 रुपये एक डेढ़ ऊपर में बिका, बाकी बढ़िया माल की रंगत 4600 से 4650 की है, एवरेज माल 4500 से 4600, जो चालू माल 4400 से 4500, नीचे में 4221 रुपये बिका, 100 बोरी आवक रही और बाजार लगभग समान देखने को मिला, कोई विशेष तेजी मंदी अलसी के अंतर्गत नहीं मिली, एक तरह से बाजार काफ़ी दिनों से यही चल रहे हैं। रायडे की बात करें तो रायडा एक भेद ऊपर में 3660 रुपये बिका, बढ़िया किराना क्वालिटी 3600 से 3641 रुपये, बढ़िया माल सेकंड 3525 से 3580, एवरेज माल 3400 से 3475, 300 बोरी आवक बाजार, किराना क्वालिटी में 50 रुपये तेज, किराना क्वालिटी 3660 3641 3638 3631, ऐसे ढेर काफ़ी हमारे सामने बिके हैं, तो बाजार लगभग समान रहा दूसरे मालों में और किराना में 50 रुपये तेज रहा। मूंगफली एक लोट 5400 रुपये बिका, 5400, बाकी बढ़िया माल टॉप थोस माल 5100 से 5300, एवरेज माल 4800 से 5000, चालू माल 4400 से 4600, 250 बोरी आवक रही, बाजार 50 रुपये तेज रहा, ले वाली ठीक ठाक अच्छी देखने को मिली। तारामीरा में बात करें तो दोस्तों ऊपर में 3700 रुपये बिका, 3700 रुपये, बढ़िया माल 3650 रुपये से लगाकर 3700 रुपये, एवरेज माल 3500 से 3600, 10 बोरी की कुल मात्र आवक रही, बाजार लगभग समान रहा, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। प्याज कांदे में बात करें तो दोस्तों आज कल के मुकाबले कुछ लटक के सकते हैं, ऊपर में 1300 रुपये बिका, मोटा माल 1000 रुपये से लगाकर 1250 रुपये, एवरेज मोटा माल 700 रुपये से लगाकर 1000 रुपये, छोटे माल 500 से 600, 300 कट्टों की आवक रही, बाजार समान भी कह सकते हैं, बाजार 25 रुपये नरम भी कह सकते हैं कल के मुकाबले। जो की बात करें 1870 रुपये ऊपर में बिका, बढ़िया माल 1850 रुपये से लगाकर 1860 रुपये, एवरेज माल 1830 रुपये से लगाकर 1845 रुपये, नीचे में 1799 रुपये बिका, आवक 100 बोरी रही, बाजार कल के मुकाबले कह सकते हैं पर 10 रुपये नरम रहा, कोई विशेष तेजी मंदी तो नहीं है, जो में 10-20 रुपये की घटबढ़ बढ़ रही है, 10-20 कभी बढ़ जाता है 10-20 रुपये घट जाता है। मक्का की बात करें ऊपर में 2270 रुपये बिका, बढ़िया माल 2150 रुपये से लगाकर 2200, एवरेज माल 2080 से 2120, लगभग 2080 से नीचे नहीं है और बाजार आवक 150 बोरी की रही, बाजार 50 रुपये तेज रहा, ले वाली अच्छी और जोरदार देखने को मिली है। ग्वार में बात करें दोस्तों एक डेढ़ 3740 रुपये बिका और बाजार लगभग समान रहा, बढ़िया माल 3600 से 3800 और एक डेढ़ 3690 बिका, एवरेज माल बाजार समान 50 बोरी आवक, बड़े बड़े ढेर थे, कोई विशेष एक ढेर और बिकना अभी बाकी है। दोस्तों 4470 रुपये उड़द ऊपर में बिका, बढ़िया माल 4100 रुपये से लगाकर 4300 रुपये, मीडियम किस्म का माल 3600 रुपये से लगाकर 3900 रुपये, एवरेज माल 3000 से 3300 रुपये, हल्का माल 2400 से 2700 रुपये, 250 बोरी आवक रही, बाजार लगभग समान रहा, कोई विशेष तेजी मंदी देखने को उड़द में नहीं मिली है। दोस्तों पोस्ते में आज बाजार घटा हुआ रहा, जैसा हमने आपको सुबह बता ही दिया था व्हाट्सएप पे, बाजार खुल के ऊपर में 104,100 रुपये बिका और बढ़िया माल 98,000 से 104,000, बिल्कुल टॉप टिनोपाल माल 1,00,000 से 1,04,000 है, सेमी टिनोपाल 98,000 से 1,00,000 रुपये, एवरेज माल 93,000 से 98,000 और चालू माल 85,000 से 92,000 रुपये, आवक 1,000 बोरी रही, बाजार इससे बाजार 3,000 रुपये नरम रहा और आवक इससे और बढ़ सकती क्योंकि आवक बहुत है, माल अभी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है फोर व्हीलर, उनके अंतर्गत माल काफ़ी पड़ा है अभी, आवक इससे भी ज़्यादा होगी, बाजार 3,000 रुपये नरम पक्का रहा।
गेहूँ की बात करें ऊपर में 2225 बिका, बढ़िया सुपर माल जो 2150 रुपये से लगाकर 2200, बढ़िया माल 2150, एवरेज माल 2040 रुपये से 2080, मिल बेस्ट 2025 से 2035, मिल क्वालिटी लस्टर हल्का 2000 से 2025, मालोवाला नीचे में 1970 ऊपर में 2035 बिका, 7000 बोरी आवक बड़ा सामान, मगर लेवाली जोरदार देखने को मिली, लेवाली कुछ भी बढ़िया थी। असली ऊपर में 3535 बिका, बढ़िया माल 3500 से 3525, नीचे में 3000 बिका, 50 बोरी आवक रही, बाजार असालिया में सामान देखने को मिला है। और अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा ऊपर में 21500 बिका, बढ़िया माल 19000 से 21500, मीडियम क्वालिटी का माल 14000 से 17000, एवरेज माल 9000 से 12000, चालू माल 6000 से 8500, 200 बोरी आवक, बाजार सामान तार लगभग 6500-7000 रुपये से लगाकर 10000 रुपये तक तार की क्वालिटी बिक रही है। दोस्तों और बात करते हैं तिल्ली की, तो ऊपर में 10400 रुपये बिका, बढ़िया माल 10200 रुपये से लगाकर 10400, मीडियम क्वालिटी का माल 10000 से 10200, एवरेज माल 9100 से 10000, और 100 बोरी आवक रही, बाजार 100 रुपये नरम रहा, लेवाली कमज़ोर देखने को मिली तिल्ली के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे आज के सारे बाजार, और शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार 4 दिनों तक अवकाश है। किसान भाइयों से निवेदन है अपनी उपज विक्रय हेतु मंडियों में बिल्कुल ना लाएं, नहीं तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं दीपक आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।